बॉल पॉइंट और पेन ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हर घर में होता है। ख़ासतौर पर स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और शॉप पर काम करने वाले अफराद इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इनके दाग किसी चीज़ पर लग जाएँ, ख़ासतौर पर कपड़ों पर और बैग वगैरह पर, तो हटते नहीं और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो तमाम टिप्स शेयर करूंगी कि जिनसे आप बहुत ही आसानी के साथ गहरे से गहरे बॉल पॉइंट और इंक के निशान बगैर मेहनत के मिनटों में साफ कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं कमल गौरी और आप लोग देख रहे हैं कमल गौरी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बैग ले लिया है और इस पर मैं आप लोगों के सामने बॉल पॉइंट से जो है वो निशान लगा रही हूँ। देखिए, मैंने काफ़ी गहरा निशान इस पर लगाया है और हमारी टिप नंबर 1 है कि यहाँ पर मैंने जो है वो बॉडी स्प्रे ले लिया है। जी हाँ, बॉडी स्प्रे आप लोगों ने लेना है और इसके ऊपर जो है हम स्प्रे करेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने इसके ऊपर बॉडी स्प्रे किया है, इंक जो है वो बहना शुरू हो गई है। अब हम इसको किसी भी कपड़े की मदद से इस तरह से साफ़ कर देंगे। बॉडी स्प्रे की जगह आप लोग परफ्यूम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास हेयर स्प्रे पड़ा हुआ है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों ही चीज़ें जो है वो यूज़ की जा सकती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर बैग बिल्कुल साफ़ हो गया है और बॉल पॉइंट का निशान ऐसे गायब हो गया है जैसे कभी था ही नहीं। अब हम टिप नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से बॉल पॉइंट का निशान लगा दिया काफ़ी गहरा, और ये मैंने ले लिया है जी नेल पॉलिश रिमूवर। जी हाँ, नेल पॉलिश रिमूवर मैंने लिया है और ये मैंने लिया थोड़ी सी कॉटन। कॉटन पर हम थोड़ा सा नेल पॉलिश रिमूवर इस तरह से लगाएंगे और इसके ऊपर जो है हम बॉल पॉइंट के निशान के ऊपर इस तरह से इसको रब करेंगे। अगर आपके पास रिमूवर नहीं पड़ा तो रिमूवर की जगह पर आप थिनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। इस तरह से आपने कॉटन पर लगाना है और ये देखिए, सारी बॉल पॉइंट की इंक जो है कॉटन पर आ गई और बैग हमारा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। टिप नंबर 3 की तरफ आते हैं। मैंने दोबारा से बॉल पॉइंट का निशान लगा दिया है बैग पर। ये देखिए, काफ़ी गहरा निशान लगाया है और अब मैं इसके ऊपर क्या लगाने जा रही हूँ। जी जनाब, ये मैंने ले लिया है डिटॉल, जो कि हर घर में मौजूद होता है, और कॉटन के ऊपर मैंने इसको लगा कर ये देखिए बैग के ऊपर इस तरह से अप्लाई किया है। इसको थोड़ा सा रब किया है तो बॉल पॉइंट के निशान जो है हमारा बिल्कुल गायब हो जाएगा, देखिए, और बैग जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। टिप नंबर 4 की तरफ आते हैं। अब मैं आप लोगों को कपड़ों पर से बॉल पॉइंट और इंक के निशान साफ करने का तरीका बताऊंगी। तो यहां पर जो है मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम डालेंगे जी सबसे पहले टूथपेस्ट। कोई सी भी टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोलगेट ली है, 1/2 टीस्पून तकरीबन आप लोगों ने जो है वो टूथपेस्ट लेनी है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, और इसके अलावा इसमें मैंने डाला है जी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी जिसे कहते हैं, खाने का सोडा भी जिसे कहते हैं। ये तीनों चीज़ें हमने डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक कोई सा भी पुराना टूथब्रश ले लेना है और उसकी मदद से हमने ये पेस्ट जो है वो बॉल पॉइंट के निशान पर लगाना है। ये देखिए इस तरह से, इसको हमने जो है वो थोड़ा थोड़ा रब करना है। इस तरह से रब करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो कर रख देना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद आपने जो है वो इसको अच्छी तरह से रगड़ कर जो है वो बॉल पॉइंट का निशान साफ़ कर लेना है, और ये बहुत ही आसानी के साथ निशान कपड़े पर से हटना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, बॉल पॉइंट का निशान जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने एक कपड़े पर बहुत ही गहरा बॉल पॉइंट का निशान लगाया आप लोगों के सामने, और अब हम लेंगे जी टिश्यू पेपर। इस तरह से टिश्यू पेपर को हमने फोल्ड करके इसकी ज़रा थिक सी लेयर बना देनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड करना है। इसकी काफ़ी थिक लेयर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बॉल पॉइंट का निशान छुटाएंगे तो वो सारी बॉल पॉइंट वाली इंक जो है वो टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाएगी, इसलिए टिशू पेपर की लेयर जो है हमने थिक लेनी है। और अब इस तरह से कपड़े के नीचे जो है हमने रखना है, कपड़ा जो है वो सिंगल होना चाहिए। और अब मैंने लिया है यहाँ पर नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर को हम कॉटन पर लगाकर इस तरह से इसके ऊपर जो है वो रब करेंगे। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको रब करेंगे तो सारी बॉल पॉइंट की इंक जो है ना वो टिश्यू पेपर के ऊपर चली जाएगी और कपड़ा जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखिए, टिश्यू पेपर जो है वो सारा हमारा ब्लू हो गया है, इंक सारी उस पर चली गई है। हल्का हल्का सा जो दाग हमारा रह गया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा सर्फ डालेंगे और इसको पानी के साथ लगाकर ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा रब करेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। ये मेरी बेटी का यूनिफॉर्म है, इसके ऊपर इंक का दाग लगा हुआ है, तो इसके लिए मैंने वही वाला मिक्सर ले लिया है, यानी टूथपेस्ट, मीठा सोडा और लेमन जूस वाला। इसको हमने ब्रश की मदद से इस तरह से लगाकर और रब करना है। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता से इंक का निशान जो है वो हल्का होना शुरू हो जाएगा और ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। इस तरह से करके आपने 2 से 3 मिनट जो है वो ब्रश की मदद से रगड़ना है, और उसके बाद हमने इस पर थोड़ा सा पानी लगाना है, और उसके बाद इस तरह से हाथों से इसको थोड़ा सा रब करेंगे तो निशान हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल निशान हमारा गायब हो जाएगा और कपड़ा जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ऐसे जैसे कि इसके ऊपर इंक का निशान कभी था ही नहीं। अब नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने एक और कपड़ा ले लिया है और इस पर इंक का काफ़ी गहरा निशान है, ये आप लोग देख सकते हैं।
तो इसको सबसे पहले जो है हमने कपड़े को सिंगल कर लेना है, ठीक है। और हमने जो है वो टिशू पेपर ले लेना है। टिशू पेपर की जगह आप लोग कोई सूती कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से कपड़े की या टिशू पेपर की इस तरह से थिक लेयर बना लेनी है, ठीक है। तो जब हम इंक का दाग साफ़ करेंगे तो सारी इंक जो है वो टिशू पेपर के ऊपर आ जाएगी। देखिए हमने बिल्कुल निशान के नीचे जो है वो टिशू पेपर रख लेना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है डिटोल, जी हाँ डिटोल आप लोगों ने लेना है। और थोड़ा सा कॉटन के ऊपर हम डिटोल लगाएंगे और इस तरह से इसको रब करना शुरू करेंगे। तो देखिए इंक का निशान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से हल्का होना शुरू होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गायब हो जाएगा। ये देखिए सारी इंक जो है हमारी कॉटन के ऊपर आ जाएगी, कुछ जो है वो टिशू पेपर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। ये देखिए सारी इंक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गई है और कपड़ा जो है हमारा बिल्कुल साफ सुथरा होना शुरू हो गया। देखिए कपड़ा साफ होता चला जाएगा और इंक सारी टिशू पेपर के ऊपर जा रही है। ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी देर आपने इसको रब करना है। ये देखिए सारी इंक जो है वो टिशू पेपर पे आ गई है। हल्का हल्का से निशान जो हमारा रह गया है ना, इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है वो पानी लगाएंगे और इस तरह से इसको हाथों से हल्का हल्का सा रब करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया।